तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एसिड ग्रुप को पढ़ रहे थे और इस क्रम में एक महत्वपूर्ण दवा जो हम लोगों का है, जो हम लोगों को पढ़ना भी है, यह है म्यूरेटिकम एसिड, म्यूरेटिकम एसिडम, है ना। इस दवा का जो रोल है, और आप सभी हम लोग दो बात हम लोगों ने सीखा था कि एसिड ग्रुप में एक कमजोरी बहुत ज्यादा होता है और दूसरा डीजेनरेशन भी होता है। कमजोरी और डीजेनरेशन का आपसी बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि डीजेनरेट जहां भी करेगा, जहां भी आपके शरीर से कुछ डीजेनरेट करेगा, डीजेनरेट करने का मतलब कि घटेगा, क्षय होगा, तो उससे कमी होने के कारण आपके अंदर में कमजोरी होना ही है। इसलिए वीकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीजेनरेशन, वीकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीजेनरेशन, इसको हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। इसीलिए जो एसिड का मेडिसिन, जो भी एसिड ग्रुप का जो मेडिसिन है, वह जितना ज्यादा डिजेनरेट करेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर में वीकनेस होगा, यानी कि उसको डिजेनरेट करने की क्षमता उस दवा के अंदर में जितनी ज्यादा होगी उतना ही उस दवा का जो है वीकनेस के साथ में लगा होगा। तो ये प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी होता है मेडिसिन के लिए, और मेडिसिन के इस प्रिंसिपल को समझ करके अगर आप काम कीजिएगा तो दवा का एक्यूरेट एप्लीकेशन लग सकता है। तो हमको देखना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड कितना ज्यादा खतरनाक होता है, तो उसके तुलना में म्यूरेटिक एसिड कितना हो सकता है, तो आप डेप्थ का पता चलेगा कि कितना डिजेनरेट हुआ कर सकता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि ये डिजेनरेट जब एसिड शरीर के ऊपर में पड़ता है, ऐसे भी हम लोग देखते हैं शरीर के ऊपर में जब एसिड पड़ता है, गिरता है, तो हम लोगों को क्या होता है, वहां पर एक घाव जैसा हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, वहां का टिश्यू जल जाता है, तो इसे वहां पर कमजोरी तो लगनी चाहिए। यही बात मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को इस बात का हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि डिजेनरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड टू क्रिएट द वीकनेस इन द लाइफ सिचुएशन। म्यूरेटिकम एसिड जो है, सो मस्कुलर वीकनेस बहुत ज्यादा आता है, पहले सबसे पहले मस्कुलर वीकनेस आता है, और इसमें हिस्ट्री होता है, जबकि रेस्टलेसनेस का बहुत बड़ा हिस्ट्री होता है। एक ऐसी अवस्था जबकि माइंड इतना रेस्टलेस रहा हो, इतना मैंने किसी परेशानी के, जैसे आप लोग का परीक्षा होता है, तो परीक्षा के पहले कुछ लोग इतने ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं कि मैं पास करूंगा फेल करूंगा, और जिनकी तैयारी नहीं हुई होती है तो उनके लिए तो और भी ज्यादा समस्या होता है। तो जब जितने रेस्टलेसनेस बनेंगे और माइंड जो है तो उतना उसके साथ में टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो उसके कारण आपका बॉडी पर जो इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट जो है सो मस्कुलर वीकनेस के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी कि आपके मस्कुलर लेवल पर ये वीकनेस दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इसका जो सिम्टम्स है, रेस्टलेसनेस एंड एरिस्थेटिक मतलब अनयूजुअल और एक्सेसिव डिग्री ऑफ इरिटेबिलिटी और स्टिमुलेशन इन द ऑर्गेन ऑफ द टिश्यू। जितना ज्यादा इरिटेशन होगा उसमें शरीर उतना स्टिमुलेशन होता है, एक्साइटमेंट हो जाता है ऑर्गेन में और टिश्यू में, भीतर में कुलबुलाहट टाइप का लगने लगता है, बेचैनी के साथ में लग रहा है कि एक शरीर को कोई खुजला रहा है, आप उसको बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता है, उसको उस तरह का रेस्टलेसनेस है ना। और यह मस्कुलर लेवल पर जाएगा, ट्वीचिंग मसल्स में, मसल में लगता है फड़क रहा है, काफी तरह के सेंसेशंस आपको मसल के अंदर में दिखाई पड़ेंगे। और डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लूइड्स, और ऐसा इसलिए होता है इसमें डिकम्पोजिशन फ्लूइड्स का, इसका डिकम्पोजिशन कहाँ पर होता है, इसका डिजेनरेशन होता है फ्लूइड लेवल पर। फ्लूइड क्या क्या है आपके बॉडी में, आपके ब्लड बॉडी में ब्लड फ्लूइड है ना, रक्त जो है तो लिम्फ होता है, ये फ्लूइड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, वह फ्लूइड नेचर के होते हैं। तो इनके डिकम्पोजिशन का जो बेसिक एस्पेक्ट है उस भाग में है जो कि मोबाइल होता है, यानी कि रक्त भी दौड़ता रहता है, जो खून है पूरे शरीर में दौड़ता है, उसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन का भी फ्लो बना रहता है, और उसी तरह से लिम्फ सिक्रेशन का भी फ्लो बना रहता है। जहां फ्लूडिटी में डिजेनरेशन होता है उसके कारण आपको इसके अंदर में प्रॉब्लम होते हैं, और इसके इतने वीक हो जाते हैं कि पेशेंट उठ नहीं पाता है,
और बिछौन पर ही इसको लैट्रिन हो जाएगा, पेशाब हो जाएगा, और मुंह और एनस दोनों बराबर से इसके इफेक्टिव होते हैं. ओके, तो म्यूरेटिक एसिड हैज बीन इलेक्टिव एफिनिटी फॉर द ब्लड. मैंने क्या बताया, फ्लूइड टिश्यू में ब्लड आपका फ्लूइड टिश्यू होता है, प्रोड्यूसिंग ए सेप्टिक कंडीशन सिमिलर टू दैट फाउंड इन द लो फीवर विथ हाई टेम्परेचर. लो फीवर विथ हाई टेम्परेचर एंड ग्रेट प्रोस्टेशन, बहुत ज्यादा थकावट है ना. जब फ्लूड ब्लड में इंफेक्शन होता है, ब्लड पॉइजनिंग सेप्टिक कंडीशन में इसका बहुत बड़ा रोल है. किसी कारण से सेप्टिक कंडीशन बहुत सारा इसका जो काउंटर पार्ट मेडिसिन है वो पायरोजिनम आप देख सकते हैं, आपका जो नोसोट लेवल पर वो पायरोजिनम का इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ेगा. ठीक है, लाउड मॉर्निंग और इतनी ज्यादा कष्ट होता है जिसे कि कहरते रहते हैं, जोर जोर से कहरते हैं, बोल के आ आ आ, जिसे कि लोगों का ध्यान आकर्षित होता है. यह इंटरनल, ये जान बूझ करके नहीं करते हैं, यह इंटरनल फीलिंग्स होता है इरिटेबिलिटी के कारण. इनके अंदर में एक भय भी होता है और रेस्टलेसनेस होता है. बोलते नहीं है लेकिन कहरते हैं, है ना. अपना व्यक्ति अभिव्यक्ति बोल करके नहीं, घर के रोगी से पूछे क्या हुआ, आ खाली यही जवाब मिलेगा आ आ, सफर्स इन साइलेंस. इससे क्या होगा, बताते नहीं, बताएंगे नहीं तो कच्चा नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये इनके प्रमुख लक्षण के अंदर में आते हैं. देन एब्जॉर्ब्ड माइंड, इनका माइंड जो है तो एक जगह पर एब्जॉर्ब हो जाता है, एक जगह पर स्थिर हो जाता है. और मेंसेस के समय में मेंस के का संबंध किससे है, सीधा ब्लड से है, आपका डिस्चार्जेज ऑफ ब्लड से है. तो उस समय में इसके कष्ट को, जहां भी ब्लड का कंडीशन आपको दिखलाई पड़े तो आपको म्यूरेटिक एसिड आपके दिमाग में आनी चाहिए. और मेंस के समय में भी म्यूरेटिक एसिड का बहुत बड़ा रोल हम लोग देखा करते हैं. और इसके कारण क्या होगा, इसके अंदर में भय, काफी भय हो जाता है ना, खास करके दिन के समय में. भय कब होगा, दिन के समय में, बहुत महत्वपूर्ण दवा है भय. रात में भय नहीं होता, दिन के समय में भय होता है, यानी कि जब रोशनी होती है, यानी कि जब उसको देख पाता है, समझ पाता है, अंडरस्टैंडिंग के समय साथ में इसको भय होता है. और इसके कारण देखिएगा, इस तरह के पेशेंट को कुछ छूते रहते हैं, इसको कैप्रिशियस कैप्रोफेल्जिया भी बोलते हैं. कैप्रोफेल्जिया मतलब कि उसको लगता है कि कुछ है, बिछौन को पकड़ करके करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, इसको कहते हैं कैप्रोफेल्जिया सिम्टम्स कहते हैं. पिक्स एट बेड क्लॉथ, ये आपके रिपोर्टरी में रूब्रिक में मिलेगा. पिक्स एट बेड क्लॉथ मैंने बेड क्लॉथ को उठो करके, जैसे ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ मैंने पिक्स दिया है, इस तरह से ये दबा करके देखना चाहते हैं ये पर क्या है. तो ये गेस्टस बहुत इंपॉर्टेंट गेस्टस म्यूरेटिक एसिड का आता है. रिजर्व माइंड, ये ज्यादा बोलते नहीं है. मैं क्या बोला कि ये मॉर्निंग है, कहते हैं, सारा अभिव्यक्ति इनका शरीर के माध्यम से है, मन के मुंह के माध्यम से नहीं है. और मेंसेस के समय में बढ़ जाना, मेंसेस के समय में उदासी हो जाना, बात नहीं करना और शांत रहने की प्रवृत्ति जो है, सो आपका इस दवा का एक महत्वपूर्ण सिम्टम्स के रूप में जाना जाता है. थॉट्स इंट्रोड्यूस एंड क्राउड अराउंड ईच अदर वाइल एट वर्क. सल्फर के जैसे काम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ये जो है बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत इधर आना, इधर से आना जाना, लगता है एक विचारों का भीड़ इकट्ठा हो जाता है दिमाग पर. और इस काम भी कर रहे हैं, व्यस्त भी रहते हैं, तो माइंड इतना एब्जॉर्ब रहता है कि बाहरी दुनिया को सुनाई नहीं पड़ता, दिखलाई नहीं पड़ता है. ये अपने में खोया हुआ मेडिसिन कहलाता है. अब व्यक्ति अपने में खोया हुआ मेडिसिन, अपने प्रॉब्लम में, अपने सिचुएशंस में लगे रहना, इस मेडिसिन की खासियत बनी हुई है. ठीक है ना, डेबिलिटी, कमजोरी हो जाएगा. कब, डायरिया, एनी टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, एनी टाइप ऑफ द फ्लूइड कंडीशन, उस समय में डायरिया हो जाएगा. उस समय में आपको कमजोर, डायरिया के समय में कमजोरी लगेगा, बुखार के समय में लगेगा, पसीना ज्यादा होगा उस समय में कमजोरी लगेगा. एक्यूट या क्रॉनिक दोनों में ऐसा कंडीशन हो सकता है. और इसमें ऑलमोस्ट जब फीवर के समय में इनको माइंड बहुत क्लियर रहेगा और कोई भी एंग्जाइटी
नहीं होता है। और ग्रेट डेबिलिटी सबसे ज्यादा तो जो एसिड्स की परिचय है वह डेबिलिटी के साथ में है, जैसे ही बढ़ता है उसके आंख बंद हो जाते हैं, पिछाड़ में लेट जाता है, फैल जाता है, जबड़े जो है सो नीचे लटक जाते हैं और बुखार के समय में काफी कमजोरी होने लगता है। ये दवा हम लोगों के लिए आपको दिमाग में इस तरह से बैठ जाए तो यह आपके लिए हमेशा दिमाग में काम आ सकता है। नाउ मसल्स एग्जॉशन, मसल्स लगते हैं कि थक गए हैं, है ना। क्योर्स मसल वीकनेस फॉलोइंग एक्सेसिव यूज ऑफ ओपियम एंड टोबैको। जो लोग बहुत भांग खाया करते हैं, टोबैको खाया करते हैं, उसके कारण मस्कुलर वीकनेस जो झुर्री टाइप का बन जाता है, मसल लटक जाता है, उसको यह ठीक करता है, एलिस ने ऐसा भी कहा है। और ब्लूइश पार्ट और शरीर जो है तो ब्लू हो जाएगा, जहां भी आप नीला रंग देखिए वहां पर जैसे जीभ पर नीलापन, दाग पाइल्स में है, घाव का नीला हो जाना, कहीं भी नीलापन दिखलाई पड़ेगा तो वह आपका इंडिकेट करेगा म्यूरेटिक एसिड को। बर्निंग सेंसेशन, इसके साथ में बर्निंग इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है म्यूरेटिक एसिड का। देन थिन एक्रिड फाउल डिस्चार्ज, इसके डिस्चार्जेस कैसे होंगे, सभी डिस्चार्जेस पतले होंगे, उस जगह पर छीलने वाला होगा और उसके साथ में उसके अंदर में स्मेल होगा, तो फाउल डिस्चार्जेस होंगे, ठीक है। शॉर्ट्स एंड साइज ऑफ मीट अनड्यूरेबल, है ना, मीट इनके लिए देखना भी पसंद नहीं है, विचार उसके देख दिमाग में अगर कोई बात आता है तो वह भी इनके लिए कष्ट हो जाता है, मांस को सुन करके देख करके उसका सोच करके इनके कष्ट बढ़ जाते हैं। देन कॉपियस परस्पिरेशन, पसीने बहुत होंगे, एक साइड से दूसरे करवट बदल लगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उस समय में पसीना पसीना हो जाते हैं, ठीक है ना, थकावट के कारण। द लोअर जॉ हैंग्स डाउन इन द टाइपर, जबड़ा लटक जाता है नीचे का, है ना, नीचे का से नीचे की ओर में जब लटक जाएगा। मार्जिन ऑफ द लिप्स जो है, तो लिप्स का मार्जिन जो है ड्राई होगा, सोर होगा, क्रैक्ट होगा और बर्निंग लिप्स होगा इसके अंदर में, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ लिप्स ड्राई सोर एंड क्रैक्ट बर्निंग लिप्स, ठीक है। इसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, उसमें लिप्स सोर, क्रैक्ट एंड स्कैबी, इनवॉलेंट्री स्टूल और यूरिन और पासिंग प्लेटस, है ना, कैन नॉट यूरिनेट विदाउट हैविंग ए बाउल मूव एट द सेम टाइम। जैसे ही पेशाब लग गया तो जब तक लैट्रिन नहीं करेंगे तो पेशाब होगा नहीं, यानी कि लैट्रिन और यूरिनेशन दोनों एक साथ में इवैक्यूएशन होते हैं, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनवॉलेंट्री होगा, इनवॉलेंट्री स्टूल ऑन यूरिनेटिंग, पेशाब करने लगे लैट्रिन लग हो जाता है, ठीक है। तो ये डेबिलिटी के कारण है, मसल वीक हो जाने के कारण है। वेरी सोर पाइल्स एमुलेट हीट, एनस वेरी सोर ड्यूरिंग मेंसेस एंड एग्रेवेट लिस्ट टच, थोड़ा सा भी टच से कष्ट बढ़ जाते हैं। एप्थस, स्टोमेटाइटिस एंड सैलिवेशन एंड वीकनेस एंड फीवर, वर्टिगो एग्रेवेट लाइंग ऑन राइट साइड और एमुलेट टर्निंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड द लिवर डिजॉर्डर एंड पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट, फेल्ट इन द फेस। देखिए बहुत विचित्र लक्षण है, धड़कन हो रहा है लेकिन चेहरे पर वह दिखलाई पड़ता है, धड़कन दिखलाई पड़ता है, वो घबराहट टाइप का लगेगा कि हाँ वास्तव में इस आदमी का हार्ट अटैक होने वाला है। इसके जो शरीर के अंग हैं वह रीजन है आपको ब्लड, मसल्स एंड एनस, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड माउथ, टंग, ब्रेन, लेफ्ट साइड और राइट साइड इसके बॉडी के अफेक्टिंग पार्ट है। मॉडेलिटीज में हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे मॉडेलिटीज को मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया हूँ। टच, वेट, वेदर, वॉकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, बाथिंग, सिटिंग, ह्यूमन वॉइस, आवाज सुन करके, बिफोर मिडनाइट, लाइंग ऑन राइट साइड से वर्टिगो होगा, वाइल्ड परस्पायरिंग, आफ्टर स्लीप, ड्यूरिंग मेंसेस एंड वाइल्ड यूरिनेटिंग एंड बेटर बाय मोशन, वार्म एंड लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। इस दवा को मीट से पसंद नहीं है, देखना पसंद नहीं है और मीट का सोचना भी इनको पसंद नहीं। इनको अल्कोहल पसंद है, ब्रांडी पसंद है, इनके कष्ट जो है तो फल से बढ़ जाते हैं, बियर से बढ़ जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक से बढ़ जाते हैं और कोल्ड फूड से बढ़ जाते हैं। इस दवा का जो मुख्य लक्षण है डेबिलिटी, वीकनेस, डायरिया एंड कंटिन्यूअस फीवर,
इनवॉलेंट्री स्टूल ऑन यूरिनेशन, बर्निंग एंड सोरनेस एंड ब्लूइश ऑफ द पार्ट एंड थिन एक्रेट एंड फाउल डिस्चार्ज। इतना पांच बिंदु को अगर दिमाग में रखिएगा तो आपको ये बात आपसे है। और एक चीज और भी रखेंगे कि डेबिलिटी जो है तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके साथ में ये टॉपिक मेरा समाप्त होता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो आप मेरे ईमेल पर rishdth@gmail.com या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर 9431020622 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर एंड वी कैन हैव एंड मेनी मोर मेडिसिन इन फ्यूचर। ओके।